आरएसएस का जन्म ही सिर्फ, बहुत सारे लोग ये बात आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उसी समय जब आरएसएस का जन्म हुआ, बाबा साहब पढ़ाई खत्म करके सामने आ रहे थे, मनुवाद के खिलाफ सामने खड़े होके इस तरह इस प्रकार का चैलेंज कर रहे थे जो शायद पहले किसी ने नहीं किया था 2300 सालों। जिस प्रकार से उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, समझ लीजिए आप 1927 में, उसी दौरान आरएसएस का गठन होना था, बाबा साहब के तेवर तक सबको पता लग चुके थे कि इस नौजवान में क्या क्या शक्ति है और ये किस दिशा में जा रहा है। किसी और वजह से नहीं हुआ आरएसएस का गठन, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को रोकने के लिए, बाबा साहब की सोच को रोकने के लिए हुआ। तो मैं बार बार, आप लोग शायद टेलीविजन से भी देखते होंगे, हमारे देश में दो ही सोचे हैं, तीसरा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है इसके अलावा। एक तरफ मनुवाद आरएसएस, एक तरफ अंबेडकरवाद, यानी कि हम सब लोग, कुछ और नहीं है, सब काफी ड्रामा दिखावा छल है, कुछ नहीं है। चाहे किसी भी रूप में आए, आप लोगों को समझ लेना चाहिए। और इनका निशाना है बाबा साहब के संविधान को अटैक करना, मनुवाद के खिलाफ संविधान बनाया है बाबा साहब ने। और मैं ये बात भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बाबा साहब को पूरी आजादी के साथ संविधान नहीं बनाने दिया गया, लेकिन उस समय भी सभी कठिनाइयों को, सभी विरोध को अपने खुद लोगों से, याद कीजिए बाबा साहब को, हम लोगों ने खुद, उनके समाज के खुद के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, उसके बावजूद वो अपने समाज के लिए और हमेशा और हर एक कमजोर वर्ग के लिए खड़े रहे अकेला तन्हा, ये है उनकी महानता। तब भी संविधान दिया जब सब खिलाफ थे। बाबा साहब की मूल भावना इस संविधान में नहीं है, जिस तरह का संविधान वो देना चाहते थे वो ये नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो दे गए हैं कि ये मनुवाद को समाप्त कर सके, इतना तो दे गए हैं कि आरएसएस को समाप्त कर सके। और इनकी लड़ाई सिर्फ बाबा साहब के संविधान से और किसी से नहीं, कोई भी चीज देख लो आप उठा के। और संविधान की जो मूल भावना है, इंसान की इंसान से बराबरी, उस पर अटैक है इनका और किसी चीज पे अटैक नहीं, बाकी सिर्फ छल है, बाबरी मस्जिद, ये वो आचार, ये समान आचार संहिता। जब बाबा साहब कर रहे थे तो क्यों भाग गए थे? एनआरसी राष्ट्रवाद, इनका राष्ट्रवाद है आर्यव्रत, इनका भारत नहीं है। और अभी मैं आपको लेटेस्ट बताऊं, 1993 से लेकर क्या मुहिम चलाई गई, देश का नाम बदलने की मुहिम। बाबा साहब की जो सबसे बड़ी चोट थी, सोचिए आप इन लोगों पर, एक के बाद एक चोट, भारत दैट इज इंडिया, उसको चेंज करने के लिए, संविधान में चेंज करने के लिए इन्होंने एक प्रपोजल चलाया था 1990 के दशक में, बाबरी मस्जिद के शहीद होने के तुरंत बाद 1993 में। समझ लीजिए ध्यान से आपके बाबरी मस्जिद को क्यों शहीद किया गया। तुरंत उसके बाद नाम चेंज करने की एक मुहिम चलाई गई थी, भारत दैट इज हिंदुस्तान रखने की। जो जो व्यक्ति हिंदुस्तान के शब्द का इस्तेमाल करता है वो बाबा साहब के इशारे को नहीं समझता, इस देश का नाम भारत है और भारत ही रहेगा। किसी ने कोई भी कविता लिखी हो, अल्लामा इकबाल ने लिखी है, वो समझदार व्यक्ति नहीं थे, एक बहुत अच्छे बड़े शायर हो सकते हैं, उनकी वाणी में बहुत शक्ति हो सकती है, लेकिन उनको समझ नहीं थी। समझ थी बाबा साहब को कि देश में सुरक्षा कैसे आएगी, देश महान कैसे बनेगा, ये समझ सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को थी वो बाबा साहब से, इकबाल साहब को कुछ नहीं थी, मोहम्मद इकबाल को कुछ नहीं थी समझ। एक शायर होना एक बात होती है, बहुत अच्छे अच्छे आज भी है सलमान खान है, उसे देख के खूब ताली बजाएंगे, कोई बात इसमें समझ नहीं है, लेकिन नेता में समझ होनी चाहिए अपने समाज को, अपने देश को, अपनी सोसाइटी को बचा के सही रास्ते पर ले जाने की, वो समझ सिर्फ सबसे ज्यादा सिर्फ डॉक्टर साहब में थी, किसी में नहीं। हमें ये बातें साफ तौर पर कहनी पड़ेगी, हम लोग क्यों बैठक पे जाते हैं कि वो भी मानते थे। सबसे महान कौन था, इस बात को पहले तय कर लेना चाहिए। हमारे देश भारत के इतिहास में इस बात को हमें किसी से सुनना
सभी को लोग याद रखेंगे जो बाबा साहब की तरह उंगली उठाने की कोशिश करेंगे, जो अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करेंगे बाबा साहब के खिलाफ। आज मैं आमतौर पर इतनी जज्बाती तकरीर नहीं करता हूं, लेकिन बाबा साहब को बोला है, पेरियार साहब को बोला है, इसकी औकात क्या है, इसको इसकी औकात बता दी। पैसे कमा लिए, आरएसएस बलुआदियों के पैरों में जाके उनके तलवे चाट दिए, बड़ा आदमी बन जाएगा, हम बताएंगे इसे कहां कहां इसने चोरी की है। हम नजरअंदाज करते थे कि चलो अपना आदमी है, इसलिए नजरअंदाज करते थे, कोई और वजह नहीं थी। मेरे पास इसके सारे काले कारनामों की चेकलिस्ट है, आप हम इसे नहीं छोड़ेंगे, इसका एग्जाम्पल बनाएंगे। बाबा साहब का बोलेगा, बाबा साहब का नाम लेगा अपनी गंदी जबान से, पेरियार साहब का नाम लेगा अपनी गंदी जबान से, हम इसे बताएंगे। और ये वादा कर रहा हूं यहां से, तो साथियों देखिए, बाबरी मस्जिद का कोई इशू नहीं है, इशू है संविधान का, 370 का कोई इशू नहीं है, इशू है संविधान को गिराना है। अभी विश्व हिंदू परिषद ने, उनके अलोक कुमार साहब हैं जो अभी उनके इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बने, बनाया गया, उन्होंने प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी साहब को एक चिट्ठी लिखी है कि संविधान की धारा 13, 15, 19 और 25 से लेकर 30 को बदल देना चाहिए, इससे हमारा जो सांस्कृतिक जो सिस्टम है भारत का वो बिगड़ रहा है। भाई क्यों नहीं बिगड़ेगा, बाबा साहब को बनाया, बिल्कुल बिगड़ेगा, मैंने बोला था सब कुछ बाबा साहब की बनाई हुई संविधान है, जो बराबरी लाए थे उसको वापस ले जाना चाहते हैं, ये है इसकी बुनियाद, और उसके उन्होंने टेस्ट केसेस कर लिए, 370 कर दिया, बाबरी मस्जिद कर दी, बाबरी मस्जिद की जो जजमेंट दी है, और ये सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है, और मैं सब लोगों से आपसे करदम निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की जजमेंट होती है उसका क्रिटिसिज्म करना हमारा हक नहीं है, हमारा फर्ज है, हमें उसकी क्रिटिसिज्म करनी चाहिए। जब तक आप नहीं करेंगे, ये मनुवाद से भरी हुई कोर्टें नहीं समझेंगी। आप देख लीजिए किस 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 जाति के लोग हमारी जुडिशरी में, तो हमें इससे बचाव करना है, तो क्रिटिसिज्म करना बहुत जरूरी है। आप लोगों को संविधानिक, और बाबा साहब ने क्या कहा, बाबा साहब ने कहा था कि मैं ऐसी सोच का और कोर्ट की सोच का पालने के लिए, उसको मानने के लिए बात करूं, उस पर अमल करने के लिए बात करूं, लेकिन उसकी इज्जत करने के लिए नहीं। मैं ऐसी किसी भी जजमेंट की बाबा साहब के शब्दों में इज्जत नहीं कर सकता, इसीलिए हम रिव्यू डालेंगे। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे बुद्ध समाज की तरफ से जो उन्होंने पिटीशन अभी उसको निकाल ही दिया, क्योंकि सच नहीं देख सकते, बाबा साहब का सच नहीं देख सकते। हम ये वादा और दूसरा करते हैं कि उस पिटीशन को भी हम लोग मिल के रिवाइव करेंगे, और जो हम लोग रिव्यूज डालेंगे उसमें इसको साफ सफाई करवाई जाएगी। अच्छा, तथ्यों पे बात हो ना, तथ्यों पे बात हो तो तथ्यों, साइंटिफिक तथ्यों पे बात होगी, और दूध का दूध पानी का पानी होगा, किसने क्या किया इस देश में इसी केस से फैसला होगा, कि कितने बुद्ध विहारों को तोड़ा गया इसी केस से फैसला होगा। आप लोगों से आह्वान करता हूं, हम तैयार हैं, और मैं आप लोगों का आह्वान कर रहा हूं, ये लड़ाई बाबरी मस्जिद की अभी खत्म नहीं हुई है, शुरुआत हुई है। अब ये तय होगा कि कितने बुद्ध विहार तोड़े गए थे, एएसआई की इन्होंने रिपोर्ट पे फैसला किया है ना, अब हम एएसआई के थ्रू ये बताएंगे कि इस देश में हजारों लाखों जो बुद्ध विहार तोड़े गए हैं वो सब वापस किए जाएंगे, उनके ऊपर जो जो भी सुरक्षा है वो सब वापस किए जाएंगे। लेकिन उसका हमें इनका हर, अभी एक नौजवान भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि हम एक्शन का रिएक्शन करते हैं, ये हमारा एक्शन है, और इनके सारे एक्शनों से सबसे बड़ा एक्शन होगा ये भी, आज हम लोगों को प्रण करना है बाबा साहब की कसम खा के कि अब इस देश के समस्त बुद्ध विहार वापिस होंगे, चाहे उसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर बना, हमें इससे लेना जरूरी है। और उसकी शुरुआत अभी एक यहाँ पे देवली गांव में और एक साजिश चल रही है, उसकी हमने केस उसकी डाल दी है, एक पीआईए डाल दिया देवली गांव में, एक बुद्ध विहार है, आप सब लोगों को पता होगा, मेहरबानी करके वहां जाके विजिट करके देख ले, बाबा साहब की प्रतिमा भी है वहां पे 30 फुट ऊंची, उसको हाँ
पहाड़ी पे, देवी पहाड़ी पे, उसका हमने पिटीशन डाल दिया हमारी पीठ के पीछे, जो वहां पे समिति है उसकी पीठ के पीछे ही एक पीआईएल डाली और उसमें फैसला करा लिया। सरकार उस कमेटी से डिस्कस कर रही है कि यहाँ पे स्कूल बनेगा या नहीं बनेगा, और उसके पीछे पीआईएल डाल के हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया बिना सुने। इस तरह की साजिशें जो हो रही है हमें उसको बेनकाब करना है, उसके लिए लड़ना। तो हमने वो केस डाला है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सभी उस केस का भी ध्यान रखें, पर अभी एक बड़ी मुहिम उसके लिए भी चलानी पड़ेगी, शायद देवली गांव की जो पहाड़ी है वहां बहुत ही बड़ा बुद्ध विहार है, आप सब लोग मेहरबानी करके जाके देखें कितना सुंदर बुद्ध विहार शांतिप्रिय जगह पे है। उसकी बहुत सारी जगह तो ऑलरेडी कब्जा हो चुकी है, मगर कृपया करके बाकी सब बचा लें आप। अब जो हमारा मूल रूप से सिद्धांत रूप से फॉर्मूला क्या है इस लड़ाई को जीतने के, कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है ना। सबसे बड़ा दुख और अफसोस इस बात का होता है बाबा साहब तो सब कुछ दे गए, हम उसको थाली में से उठा के खा नहीं पा रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसमें मैं आपसे नम्र निवेदन ये करूंगा कि सबसे पहले तो हम एससी एसटी और माइनॉरिटी वाले लोग आपस में कम से कम एक फैमिली को दोस्त बनाए, मैं हर जगह से निवेदन करता हूं। अगर हमने यही काम कर लिया तो हम सोशली एजुकेशनली और इकोनॉमिकली ऑटोमेटिक पावर में आ जाएंगे, पॉलिटिकली भी ऑटोमेटिक पावर में आ जाएंगे। सिर्फ इतना कर लें कि खान पान रहन सहन और वोट देना हम सब साथ करेंगे, ये लोग दो मिनट में खत्म हो जाएंगे। इसमें तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, इसमें तो कोई एजुकेशन भी नहीं करना, कुर्बानी भी नहीं करनी। हमारे में से कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए 1-2% ही जो ट्रंप पे इल्जाम लगाया जा रहा है, भगत सिंह को भी बोला गया था आतंकवादी, हाँ ये रामदेव बोल रहे हैं ना हमें अम्बेडकर वादियों को आतंकवादी बोल रहे हैं, तो भगत सिंह को भी बोला गया था, हमें कोई डर वर नहीं है इस बात से, बोलो खूब बोलो। हमारे लिए आतंकवादी आरएसएस वाले हैं, हमारे लिए आतंकवादी मनु वाले हैं, वो डरपोक आदमी है और उसको अभी अब उसकी सही जगह दिखाई जाएगी। तो मैं आप लोगों से यही बाबा साहब ने जो दिया है सभी कमजोर वर्गों को एक साथ करने की जो ताकत दी है संविधान, उस संविधान के तहत आके हम अपनी दोस्तियां बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, उसके बाद कुछ नहीं बचा। आज जैसे हमने गुरु रविदास जी का जो हुआ, हमने मुस्लिम समाज ने बहुत बड़ा प्रदर्शन भी किया और ये कहा कि हम अपने रविदास भाइयों के साथ खड़े हैं, साथ नहीं आगे खड़े। बाबरी मस्जिद में भी मेरा नम्र निवेदन आपसे है कि आप सब लोग हमारे साथ खड़े, ये लोग डर जाएंगे और भाग जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे कहे गई बातों को थोड़ा ध्यान दें, सोचें। अब समय आ गया है जब हमें निर्णय फैसला करना है, संवैधानिक तरीके से करना है, बाबा साहब के दिखाए गए रास्ते से करना है और सफलता प्राप्त करनी है। सालों के अंदर नहीं, महीनों के अंदर भी सफलता आ सकती है, सिर्फ फर्क यह है कि हम अपनी कार्रवाई किस प्रकार से शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोगों का नारा एक ही रहना चाहिए, जय भीम। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।